नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में सियासत फिर हनुमान सहारे, कर्नाटक में बजरंग बली बड़ा चुनावी मुद्दा बने तो एमपी में भी सियासी दलों का भरोसा कि अंजनी पुत्र सागर पार लगाएंगे। कांग्रेस जहां कमलनाथ को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताती है तो बीजेपी को कांग्रेस की भक्ति सीजनल नजर आती है। किसकी भक्ति में कितना है दम, होगी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और सियासी दल बजरंग बली हनुमान जी के आशीर्वाद को लेकर अपने अपने दावे करने लगे हैं। कांग्रेस के धार्मिक झुकाव और आयोजनों को सीजनल बताते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि प्रभु का आशीर्वाद उनके और उनकी पार्टी के साथ है, जो 2023 और 24 में बीजेपी को ही मिलेगा। बजरंग बली की गदा जो उन्होंने लगाई थी, कमलनाथ जी ने क्या कहा उसके बारे में? गदा के बारे में कहा कि 100 पीस की वस्तु है, ऑर्नामेंटल शब्द उपयोग किया था। तो हनुमान जी के गदा को ऑर्नामेंटल कहें, शोभा की वस्तु कहें, सजाने की वस्तु कहें, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये दिखावे के लिए सीजनल इस प्रकार की जो बातें करते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्य व्यवहार में इन चीजों को लेकर के काम करती है और ये तो केवल दिखावा करने का प्रयास कांग्रेस करती है। बीजेपी के दावों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी कर्नाटक में हुई हनुमत कृपा को याद दिलाने से नहीं चूके। बजरंगबली भगवान ने बता दिया कर्नाटक के चुनाव में वीडी शर्मा साहब कहाँ कहाँ बैठे हो। भगवान को जब जब सड़क पे लाओगे बीजेपी की इसी तरह दुर्गति होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भाजपा की एक बड़ी हार होगी। कर्नाटक चुनाव हो या फिल्म, भगवान हनुमान चर्चा के केंद्र में। एमपी में सियासी दल फिर हनुमान के सहारे सियासी नैया किनारे लगाने की कोशिश में, होड़ खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताने की। लेकिन हनुमान जी किसे सियासी संजीवनी देंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। बालाघाट से शैलेंद्र चौहान, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सियासत को उसी संजीवनी का इंतजार है जो संजीवनी पहाड़ सहित भगवान हनुमान ने लक्ष्मण के लिए दी थी लाकर। लेकिन ये संजीवनी मिलेगी किसे, ये वाकई में अभी सवाल है। चूंकि इस साल चुनाव है और चुनाव के मौसम में हम कहें तो भक्ति भोर विभोर पार्टियां हो रही हैं। दोनों बड़े सियासी दल इस वक्त भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल एक दूसरे पर जरूर उठाए जा रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद आलोक संजर जी बीजेपी से जुड़े हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं और भी जल्द मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आलोक जी, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, कांग्रेसी भी इस सवाल को बार बार उठाते हैं कि भाई अगर कांग्रेसी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तब उस पर बीजेपी को इतनी आपत्ति क्यों होती है? पेटेंट है क्या बीजेपी का? नहीं, किसी भक्ति पर कोई प्रश्न ही कभी खड़ा नहीं हो सकता है। हम सब सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम के बारे में जिस दल के नेताओं ने, जिस दल के वरिष्ठ नेताओं ने अनेकों बार टिप्पणी करी है, राम को काल्पनिक भी बोला है। बल्कि मैं 2020 में कुमार केतकर जी का याद कर रहा हूँ, तो उन्होंने भगवान राम के बारे में क्या कहा था, ये काल्पनिक है। मणिशंकर अय्यर जी ने तो सुन्नी बोकवोड के लिए कोर्ट में चले गए थे। कपिल सिब्बल साहब का हमारे पास उदाहरण है। कितने लोग, राम सेतु का कितना बड़ा उदाहरण है कि नहीं, देश की उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए उसको तोड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें जनता के सामने हैं, देश के सामने हैं। कांग्रेस ने पहले राम को नकारा है और कांग्रेस के लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, इसलिए ये प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है भक्ति का, तो भक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि सब लोग मिलकर भक्ति करें। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, हम आस्था, हम राम हमारी आस्था का केंद्र है। तो इसलिए राम के संदर्भ में हमारे यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते भी हैं कि रा से राष्ट्र और माँ से मंगल है, जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम के नज़दीक है। तो राष्ट्र का मंगल करने का जो संकल्प लेके काम कर रहे हैं हम, एक विचारधारा के माध्यम से संकल्प लिया हुआ है, हमारे लिए राष्ट्र सब कुछ है और राष्ट्र की जो चिंतन कर रहे हैं इसलिए राम के नज़दीक है। जो राम के नज़दीक है हनुमान जी उनके नज़दीक आ जाते हैं। अब चूंकि हनुमान को लेकर लोगों को अभिमान यदि हो गया है तो मुझे उसके लिए कुछ नहीं कहना है। जी,
नहीं, लेकिन जब कमलनाथ जी के वीडियोस जारी होते हैं, वो उन्होंने अपने सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति मध्य प्रदेश में हम कहें तो उन्होंने स्थापित कराई है, और जब उनके वीडियो जारी होते हैं तो फिर कहा जाता है कि आप चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये वर्जन आते हैं? बीजेपी की तरफ से नहीं, आम जनता की तरफ से वर्जन आता है कि पहले कांग्रेस ने राम के संदर्भ में क्या कहा, किस दल ने राम के संदर्भ में कैसी बातें कही हैं। तो निश्चित रूप से तब ये प्रश्न खड़ा होता है, आम जनता पूछती है कि आज आपको चुनाव के समय राम याद आने लग गए, आपको फिर नदियों गंगा नदी याद आने लग गई, नर्मदा यदि याद आने, आप आरतियां उतारने लगे, लेकिन इसके पहले तो कभी आपने ऐसी बात नहीं कही। जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो ये प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। तो मेरा मानना है कि यदि राजनीति करनी है तो भक्ति करनी है तो दोनों अलग अलग है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है कि हिंदुत्व की बात कर जिन्होंने कभी कही नहीं, हिंदुत्व को जो नकारा करते थे, आज वो यदि राम की बात करते हैं, आज हनुमान की बात करते हैं, तो प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। और जनता इस बात को समझती है कि वोटों के चक्कर में अब चूंकि समझ में आ गया कि लगातार मोदी जी जिस तरह देश का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने जिस तरह काम किया है, लोगों के दिलों को जीता है, अब इनको लगता है कि इस वर्ग का वोट हम कैसे हथिया सकें। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति पहले करते थे, तो उसको दोबारा से उसको नए रूप में करने का उन्होंने प्रारंभ किया हुआ है। ठीक है, रहेगा हमारे साथ, और हमारे साथ कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक सवाल बार बार उठता है, जब धार्मिक आयोजन या हम कहें कि जब कांग्रेस के बड़े आयोजनों में धार्मिक पुट नजर आता है, भक्तिभाव में जब कांग्रेस नेता नजर आते हैं, आज बी डी शर्मा कह रहे हैं कि ये इनका केवल दिखावा है, कांग्रेस के दिखावा है भक्ति केवल, और ऐसे तमाम उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं बी डी शर्मा साहब ने। भूपेंद्र जी, ये मुझे तो हैरत हो रही है कि ये जो झूठ का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय है। अभी हमारे संजय साहब कह रहे थे कि ये तो इस तरह के सवाल हम तो उठाते नहीं, भाजपा तो उठाती नहीं, जनता उठाती है। तो ये जो बी डी शर्मा जी है, ये जनता है कि भाजपा है, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। सरेआम इस तरह से जब झूठ बोलोगे आप जी, तो आप सोचते हैं कि जनता आप पे भरोसा करने वाली है। और जो हनुमान जी है, हनुमान जी को इन्होंने फिल्म बनवाई जिसके लिए इनकी सरकार को धन्यवाद दिया है। एक जो है भाड़े का लेखक है, उसने इनकी सरकार का धन्यवाद दिया है। उसमें वो तो बयान देकर और विज्ञप्ति दे के कह रहा है कि हनुमान जी कोई भगवान अगवान नहीं है। इस पर इनका क्या कहना है? जो बदतमीजी के जो डायलॉग जी भगवान के माध्यम से कहलाए गए हैं, भगवान के नाम पर कहलाए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पीठ ठोकी है उस कलाकार की, कहीं नहीं ठोकी, संजय साहब खुद उसको हाथों हाथ लिए फिर रहे थे भोपाल में, उस पुअरता के लिए इनका क्या कहना है? और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये तो लोकसभा में सदस्य रहे हैं, इसके बाद इस तरह की बातें करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सबसे पहले जो है संसद में कहा था कि ये जो है राम सेतु जो है ये शैवाल संरचना है, एफिडेविट दिया है उन्होंने कोर्ट में, और इनको थोड़ी समझ हो तो ये जो है सुब्रमण्यम स्वामी के भाषण उठा ले लोकसभा के अंदर। किस सफाई से इन्होंने आलू से सोना बनाया और कांग्रेस के गले में डाल दिया। अभी राज्यसभा में जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये सब पौराणिक कथाएं हैं। इस पर इनका कोई जवाब है क्या? ये झूठ और पाखंड की राजनीति करने में इन्हें बड़ा आनंद आता है, बड़ी सफाई से, करीने से, शालीनता से ऐसे बात करेंगे जैसे सत्य के महापुरुष हैं। इनकी पार्टी ये सारे काम कर रही है। किसने जो है बजरंग दल को बजरंग बली बनाया कर्नाटक में? कांग्रेस थी कि आप थे, आपके प्रधानमंत्री जी थे। ये जो बात है ये जनता समझ रही है कि भगवान के बिना इनका कोई चारा नहीं है, गुजारा नहीं है। जिस दिन गांधी की गोली मारी जा रही थी तब जो है एक राम भक्त की हत्या करने में जिन्हें शर्म नहीं आई वो आज राम राम कर रहे हैं। 1980 तक भगवान राम कहाँ थे? 1980 के बाद तुमने तो राम जपना शुरू किया है। गांधी तो रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे 1900 से, तब कहाँ थे आप? आपके कारण राम आए दुनिया में। आप कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं और हम जो है दुनिया को लाएंगे, आप लाए भगवान राम को कि भगवान राम जो है हजारों साल पहले पैदा हुए, वो अवतरित हुए इस पृथ्वी पर। जिन लोगों को इतना दम, इतना गुरूर और इतनी हीनता की भावना भरी हुई है कि वो भगवान राम को लाए। रिएक्शन इस पर ले लीजिए।
जी तो ये इनसे पूछे इसका जवाब जी। ठीक ठीक अक्षत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है अक्षत जी आपका चर्चा में। लेकिन इस पर जल्दी रिएक्शन जरूर चाहूंगा आप संजय जी, जो बात आप कहते हैं, जो बात आप कांग्रेस पर कहते थे वो सारी बातें भूपेंद्र जी अब बीजेपी पर कह रहे हैं। वही कह रहा हूँ, देखिए कितना अंतर आ गया ना। मैं तो स्वागत करता हूँ कि चलो कम से कम राम को जो लोग कह रहे अभी भी बोल रहे हैं कि पौराणिक कथाओं में है, कथाओं में है ये तो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के वीडियो दे दूंगा, उन्होंने कहा कि आपके मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था कि मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि 1000 कमरे राम किस कमरे में पैदा हुए हैं। आप मणिशंकर अय्यर को बोलते हो तो ये, लेकिन ये बताते हैं जी, आप ये बताइए, लेकिन आज भी आप लोग अभी भी राम को नहीं मानकर सिर्फ रामों के लिए वोट करने की बात करते हो। यदि कर्नाटक में आप यदि बात करते हो हनुमान जी को कौन लेकर आया था, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ राम पहले हुए हैं और राम को आप लोगों ने नकारा है, और इसलिए बिल्कुल नहीं अटल जी का तो आप बात ही नहीं कर सकते किसी भी में। लेकिन आपके मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, आपके केतकर जी सांसद जो थे, इन सब ने राम को नकारा है। और आज आप लोग जब राम का और हनुमान जी की बात करते हो, आप लोग सिर्फ है ना झूठ का पाखंड आपका दिखाई दे रहा है, और इसका जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। सिर्फ हनुमान जी ही आपको बता देंगे कि जिस तरह देश के साथ धोखा नहीं किया। आज यदि हिंदुत्व यदि खड़ा हुआ है, आज यदि सनातन धर्म खड़ा हुआ है, तो वो एक विचारधारा के कारण खड़ा हुआ है, आप लोगों के लिए। आपने यदि गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर दो, तो आपने कांग्रेस खत्म करी क्या? अब गांधी जी की बात करने वाले लोग आज कहते हैं गांधी जी ने कहा कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आपने कांग्रेस को खत्म नहीं करा। गांधी जी के नाम को लेकर गांधी जी को माना, लेकिन गांधी जी की एक भी बात को नहीं माना आपने, और इसलिए सिर्फ और बात करने की बात करते हो आप लोग। आपको भगवान याद आ रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट से अपनी बात कहें और सुने भी जी। तो कहाँ बोला था इनसे जी, इसमें यही बोले जा रहे हैं भूपेन जी, पास शब्द नहीं। भूपेन जी सुने भी जी जी, ठीक है भूपेन जी, भूपेन जी भूपेन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आने से आपकी बात सच्ची हो जाने वाली है। भूपेन जी आ रहा हूँ, ठीक है सच्ची नहीं होती। संजय जी आ रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मैं अक्षत शर्मा जी के पास जाऊंगा। भूपेन जी प्लीज, भूपेन जी, भूपेन जी प्लीज, अक्षत जी ये ब्लेमिंग पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ठीक है, और हो सकता है कुछ आरोपों में तथ्य भी हो, आधार भी हो, लेकिन ये पूरी लड़ाई हिंदू वोटों की है। अक्षय जी बात जैसा आपने आज विषय रखा, हनुमान जी की एंट्री हो गई है, हनुमान जी किसके साथ रहेंगे? हनुमान जी तो उसके साथ रहेंगे जो राम का काज करेगा। हनुमान जी राम के भक्त हैं, वो जो राम को जपेगा, राम का काम करेगा, हनुमान जी उसके साथ रहेंगे। जहां तक राजनीति का विषय है तो यहां पर तो जो जनता का काम करेगा, जो राम जनता का काम ही राम का काज है, और जो राम का जनता का काम करेगा जनता उसी को चुनेगी। मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव में जो आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है बजरंग बली का, उसमें कोई पार्टी पार्टी के रूप में नहीं चुनते हनुमान जी किसी को, जो भक्त रहता है, जो राम का काज करता है, वो उसको उस पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो अपना काम ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ में हम जनता का काम करें, जनता उसको चुनेगी जो सर्वश्रेष्ठ उसमें से होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आलोक संजर जी, आप कुमार केतकर का आप जिक्र कर रहे थे, मणिशंकर अय्यर का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ लोगों के बयान से किसी पार्टी पूरे बड़े दल को आप उस विचार से जोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस के लोग बहुत विद्वान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं सारे कांग्रेस के लोगों को, लेकिन जनता इस बात को देख रही है। हम तो ये कहते, हमने कभी नहीं कहा कि हम विद्वान है, हम तो विद्यावान है, और हनुमान चालीसा में कहा भी गया है राम काज करवे को आतुर, हम लोग राम काज करने का हमेशा प्रयास करते हैं। राम ने जो किया, राम की जो राजनीति है, उसको हमने सूक्ष्म अध्ययन किया है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करवे को आतुर, तो हम तो विद्यावान बनने का प्रयास कर रहे हैं, विद्वान बनने का प्रयास कहाँ कर रहे हैं? कांग्रेस के पास विद्वानों की भीड़ लगी हुई है, और इसलिए उन्होंने बार बार राम के ऊपर प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने हनुमान के ऊपर भी प्रश्न खड़ा किया, किस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया है, उन्होंने सनातन धर्म पर प्रश्न खड़ा किया। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की जो राजनीति करी, वो आज पूरा देश इतने लंबे समय से देख रहा है, आजादी से पहले से के बाद से जो स्थिति बनी है कांग्रेस की, वो जो बात कर रहे हैं सिर्फ चिल्लाने से और अपनी बात कहने से बात क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि राम के जो रथ था उसको भी रोका किसने था, किस विचारधारा ने रोका था, और ये सनातन धर्म को ले आगे ले जाने का काम किस विचारधारा ने किया।
तो इसको देख, जनता देख रही है, और वही कारण है कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि क्योंकि हमने राम को माना और राम ने हमको माना, हमने हनुमान को माना, हमने अभिमान हमारे मन नहीं आया, यदि उनकी एक स्टेट जीत गई तो उन पर अभिमान आ गया, तो हनुमान जहां हनुमान वहां होते हैं जहां अभिमान नहीं होता है, तो वहां आज अभिमान आ गया है। मेघनाथ ने भी हनुमान जी को बांध दिया था और ले गया था रावण के सामने, लेकिन पूरी लंका जल गई थी। हम यदि हनुमान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो उनकी लंका जलने वाली है। जी भूपेन जी, तुष्टीकरण का जिक्र कर रहे हैं आलोक संजर जी की, भाई पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया और अब मजबूरी में वोट के लिए आप भक्ति की सियासत कर रहे हैं, सीजनल सियासत, तो वीडी शर्मा भी बता रहे हैं कांग्रेस की से कि जो है, मैं समझ रहा हूं परेशानी, लेकिन जो है ये परेशानी आप समझिए, इस देश की जनता ने, करोड़ों लोगों ने देखा है कि मोदी जी ने कैसे टोपी लौटाई थी, और जो है 2 साल बाद फिर से वो टोपी पहन ली जाली वाली, चादरें चढ़ाने लगे मजार पे जाके, तुष्टिकरण कौन कर रहा है, किसने बेइज्जती से टोपी लौटाई थी अलग रखिए, ये देश ने देखा है, ये ढोंग पाखंड और ये धूर्तता सबको समझ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं जो बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड की कर रहा हूँ, गुमराह मत करिएगा, ये रिकॉर्ड है लोकसभा के अंदर, ये निकाल लें, ये तो लोकसभा सदस्य रहे कि अटल जी ने कहा था कि नहीं कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी इनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चीख चीख कर वो रोज बताते हैं इनके पाखंड और इनकी धूर्तता की पोल खोलते हैं, इनके कोई पार्टी का कोई आदमी उसको काउंटर करता है, ये किसको समझा रहे हैं, ये जो है राम काज करने को आतुर हैं, ये आपने जो है राम का काज किया है, अभी सुन लीजिए मेरी बात भी, आपको मैंने ध्यान से सुना, बिल्कुल बिल्कुल, ये आदिपुरुष जैसी घटिया फिल्में बनवाकर आप राम का काज कर रहे हैं, हमने नहीं बनवाया, आपके मंत्री जो है हीरोइनों की बिकनियों में तानाशाह कर रहे हैं, ये आप राम का काज कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में जो है जगह जगह लोगों के ऊपर दमन चक्र चल रहा है, समाज के सामने क्या परोसना चाहते हैं, भूपेन जी मैं आपको बहुत अच्छा दिमाग रहा हूं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वाकई निंदनीय है, आपको जो निंदनीय जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, कब लज्जा आएगी इस बात के लिए, आप जो है हजारों करोड़ों आदिवासियों को जानवरों के खाने लायक चावल खिला रहे हैं, ये आप राम काज कर रहे हैं, आप आग लग रही है, सारा रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का चल रहा है, ये आप राम काज कर रहे हैं, महाकाल हवा में उड़ गया, ये आप राम काज कर रहे हैं, आप बहुत आतुर हैं राम काज करने के लिए, इस तरह लूट खसोट करके, ये भारत की जनता देख रही है, और इस पर आपका जवाब आना चाहिए, आप विद्यावान है, गुड़ी है, स्वीकार कर ली हमने, लेकिन इस बात का जवाब तो दीजिए, क्या जो आपके आपके एक्शन है, जो आपका कार्य है, ये राम काज है, महाकाल में आपने जो किया वो राम काज है, ठीक है संजय जी, इस पर जरूर रिएक्शन, और एक मूवी को लेकर भी, चूंकि बहुत सियासत हुई, इस पर भी जरूर, चूंकि मेरा ये कहना है मूवी को लेकर जो बात कर रहे हैं, मूवी ना मैंने देखी और ना ही मैंने कभी उसकी प्रशंसा करी है, लेकिन जिस तरह से मूवी बनाई गई उसकी सर्वत्र निंदा हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी उसकी निंदा करी है, भारतीय जनता पार्टी सवाल को तो कॉरिडोर दिया गया, निंदा नहीं की उसने, यही तो दिक्कत है भूपेन भाई, यही दिक्कत है आप में भूपेन जी, यही दिक्कत है, ये सब सार्वजनिक है, दूसरा जो जिसने कॉरिडोर बनाया वहां पर उसका उसका टेंडर में एग्रीमेंट हुआ है, 5 साल का एग्रीमेंट है, यदि उसमें वहां पर कुछ भी लॉस हुआ है तो उसमें उसकी जिम्मेदारी है, उसको दोबारा बनाने का काम करेगा, आपने भगवान कोई मदद नहीं करी, आप लोगों ने तो जाने क्या क्या किया इस देश में, आप यदि 70 साल का इतिहास उठाकर देखोगे भूपेन भाई, तो आपको अपने आप को कांग्रेस ही कहने में शर्म आएगी, आपके आपके नेताओं ने देश में क्या क्या किया है, उसको इतना बोलेंगे तो आपको अपने आप को कांग्रेस ही कहने में शर्म आने लग जाएगी, आपको ये कहना है कि आप राजनीति वैसी करो कि जो राजनीति को जनता आपको स्वीकार करे, आज आपको देख रहे धन्यवाद, पूरी तरह से उसकी निंदा की गई है, और पूरी एक फिल्म को लेकर भी आप बात करते हो तो उसकी पूरी तरह से निंदा की गई है, मैं यहाँ बैठकर निंदा कर रहा हूँ, आप जो है भगवान के माध्यम से बैठकर मैं निंदा कर रहा हूँ, शामिल है आपकी पार्टी और ये सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति के चश्मे से देखते हो और हम लोग है ना उसको, ठीक है, अरे आप आपकी पार्टी डूब रही है, आप अपनी चिंता करो, आपको भगवान राम की निंदा, आप अपनी पार्टी की चिंता करो, ठीक है, हम राम की चिंता कर रहे हैं, राम हमारी चिंता कर रहे हैं, सज्जन आदमी है, फंसे हुए हैं, रजिया कहीं फंसी हुई है, आप दोनों सज्जन आदमी, आप दोनों सज्जन आदमी, मैं अक्षत शर्मा जी के पास जाऊंगा, अक्षत शर्मा जी
वाकई सियासत के लिए जरूरत आन पड़ी है कि मुद्दों से हटकर अब भक्ति की तरफ जाया जाए। मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों दल की बात कर रहा हूं। हाल फिलहाल के अगर हम आयोजन को गौर करें, उन पर नजर डालें, तो हाल ही में कांग्रेस का आयोजन भी हुआ, नर्मदा आरती में प्रियंका गांधी को शामिल होना पड़ा, वहां पर गदा का भी जिक्र वीडी शर्मा साहब ने किया, और इसी तरह के आयोजन बीजेपी के भी हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों को धर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। अभी हमने देखा था कि कांग्रेस ने जब साधु संत का सम्मेलन किया था, उस समय कांग्रेस का पूरा कार्यालय जो है वो भगवा रंग में रंगा हुआ था, उसको लेकर काफी चर्चा भी हुई थी, अखबारों में फोटो भी आए थे। और वैसे ही से आज ही का हम दिन देख लें तो वीडी शर्मा जी भी हनुमान जी के मंदिर में थे जी। तो भक्ति से सराबोर रहे, हमारा राजनीतिक माहौल ये तो आवश्यक है, लेकिन उस भक्ति से राजनीति ना हो, ये आवश्यक है। हनुमान जी का आशीर्वाद तो सभी पार्टियों के ऊपर है, लेकिन उसको उन्हें राजनीति से परे रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम अपना काम पूरी तन्मयता से करें, ये आवश्यक है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। भूपेन जी, पहला सवाल मैंने आलोक जी से यही पूछा था कि भाई भक्ति किसी का पेटेंट नहीं है, बीजेपी का पेटेंट नहीं है, लेकिन एक सवाल और जो उठा वो ये कि वीडी शर्मा साहब कहते हैं कि हमारी भक्ति दिखावे की नहीं है, लेकिन कांग्रेस का मकसद केवल वोट हासिल करना होता है, जब चुनाव आता है तब इनके नेता जनेऊ डालने लगते हैं कुर्ते के ऊपर, इस तरह के इनके आचरण होते हैं जो दिखाता है जनता को हकीकत। आपको बीडी शर्मा जी तो कोई देवी पुरुष तो है नहीं कि उनकी वाणी जो है सर्वदा सत्य है जी। आपको याद होगा, आप कहें तो मैं आपको तस्वीर भेज दूं कि बीडी शर्मा जी खुद ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालते हैं। भेजूं फोटो आपको, जरा उसको भी दिखा दिया कीजिए, उस पर भी टिप्पणी किया कीजिए। बीडी शर्मा स्वयं, मैं आपको दे दूंगा, वीडियो भी दे दूंगा, जनेऊ कुर्ते पे धारण किए घूम रहे हैं। तो जो जो आदमी जिसने पाप ना किया हो वो दूसरे को पापी बोले, जो जो है खुद जो है जिस जो आचरण नहीं कर सकते वो दूसरों को उसके लिए गाली देने वाले लोग धूर्ती होते हैं, और कोई तो नहीं बोल सकते आप इनको। तो या तो गाली मत दो या स्वयं वैसा आचरण मत करो। आप कहेंगे तो हम तस्वीरें जल्दी आलोक जी छोटा सा रिएक्शन तस्वीरें जल्दी। देखिए हनुमान जी का जीवन जो है कैन डू का रहा है, और इसलिए हम तो हनुमान जी के जीवन से हमेशा प्रेरणा लेते हैं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी, देखिए जहां तक सवाल है भूपेन भैया, कई बार हम भी पूजा में बैठे हैं, हमने देखा है लोग ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन दिखावे का जनेऊ पहनना और पूजा का जनेऊ पहनने में अंतर होता है। इसलिए आप सनातन धर्म को जरा समझो तो सही, उसके बाद मैं बात करता हूँ। लेकिन हनुमान जी का जो जीवन है वो कैंडू का रहा है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे सामने कौन सी परेशानी है। यदि उन्होंने कहा कि राम जी ने कहा है कि मेरे को जाना है, तो उन्होंने आने के बाद वहां फिर लंका से लौटने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं करी, लेकिन कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपनी आत्म प्रशंसा करने के लिए दिखावा करने के लिए राजनीति करी है। चलिए माफी चाहूंगा। कर्नाटक में हनुमान पर सियासत, बजरंग बली पर सियासत, जो भी नतीजे दिए हों, मध्य प्रदेश में समीकरण भी अलग हैं और हम कहें कि हालात भी अलग हैं। अब ये जरूर देखना होगा कि ये किसके पक्ष में जाते हैं, इस तरह के जो आयोजन है या माहौल है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।